दिखाते हैं कैसे हम वो बहुत सुपर फास्ट करके बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं। तो चलो दिखाते हैं अपना वीडियो कैसे बनाते हैं। नमस्कार गाइस, स्वागत है सुमित देसी विलेज फूड में। आज मैं बनाऊंगी टोमेटो ब्रेड कटलेट्स। तो अब कि हम कैसे बनाते हैं, पहले हमने तेल डाल दिया है, रिफाइंड तेल डाला है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पंचफोड़न। पंचफोड़न के बाद हम, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हींग क्यों डाल रहे हैं। हींग इसलिए कि आलू, जब भी हम आलू की कोई भी वो बनाते हैं तो रेसिपी, तो इसमें हम लोग को बाटी नहीं करता है, इसलिए हींग डालना ज़रूरी होता है। मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी आलू को। अब इसके ऊपर से मैं हल्दी डालूँगी, हल्दी, इसके बाद मिर्चा डालूँगी, मिर्चा पाउडर, अब नमक डालूँगी अपने स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम फूड कलर मिलाएंगे इसमें। हमारा पक चुका है, अब इसके ऊपर हम ग्रीन मिर्चा डालेंगे, कटा हुआ, बारीकी कटा हुआ। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी, मेरा पक गया है। तो मैं बहुत बारीकी से इस टमाटर को काट लूंगी, मैंने प्याज ऑलरेडी काट रखा है। लिया है, अब ब्रेड पे रखेंगे चारों तरफ से। ये मैं बराबर कर लूँगी ये अच्छे से। प्याज रखूँगी, इसके बाद ये टमाटर कटा हुआ इस पर रखूँगी, इसके ऊपर एक कटा हुआ मिर्चा डाल, फिर इसको मैं ऐसे ढक दूंगी। ऐसे मैं दूसरा रेडी कर लेती हूँ। और सॉस ये देखिए, ये मैंने सभी डेकोरेट अच्छे से, इसको फिर ऐसे ढक दूंगी इसको भी। और इस पे मैंने सिर्फ ये देखिए प्याज, टमाटर और ग्रीन मिर्चा और आलू, बस इतना ही है। इसको मैं तलूंगी, इसको ऐसे खाऊंगी, ठीक है। उसको मैं अच्छे से पहले ऐसे कोना में काट लूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, ये मैंने अलग अलग कर दिया है। अब इसको मैं तलूंगी और इसको भी काट लेती हूँ। क्या है ये देखिए, तो अब मैं तल के भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जो जो नहीं तलना है उसमें आपको दही मिलाना है, उसमें आपको दही सॉस नहीं मिलाना है। ये मैं कि मेरा तवा गरम हो गया है, अब इसमें मैं चारों तरफ से तेल लगा लूँगी अच्छे से। मैंने लगा रखती हूँ अपनी इस कैटलेट्स को, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म हो गया है, अच्छे से पक गया है ये हमारा ये कटलेट्स। अब इसके बाद गैस मैं ऑफ कर दूंगी, इसको मैं निकालती हूँ। देखिए अब इसके ऊपर मैं
सॉस लगाऊंगी। मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग बताइएगा कैसे बना है। मैंने दो प्रकार का आपको बना के दिखाया है। देखो दोस्तों, मैं पूरे धूप में कितने मेहनत से बनाई हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बना है आप लोग प्लीज़ वीडियो में मेरे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं इतने तेज़ धूप में देखिए बनाई हूँ, बस आप लोग को ले दिखाने के लिए कि आप लोगों को ईजी हो जाए। और सुमित देसी विलेज फूड ज़रूर चैनल आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।